हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्राण नॉलेज पर मोस्ट वेलकम। आइए आज मैं आपको देसी रोज़ की कटिंग लगाना सिखाऊंगा। कितनी मोटी लें, कितनी बारीक, कितनी छोटी, कितने इंच की कटिंग लगाएं जो ग्रो कर जाए, आइए इन सब बातों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप पूरी गुलाब लगाने की बातें जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को पूरा देखिए। आज हमारे यहाँ तारीख है 17 जनवरी 2020 और हमारे यहाँ का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है तो ये मौसम आइडियल मौसम माना जाता है गुलाब की कटिंग को ग्रो करने का। मैं अपने पौधों से ये कटिंग्स ले आया हूँ। यह गुलाबी रोज़ की है, देसी रोज़ की। फ्रेंड्स, ये देखिए सीड पॉट्स कितने बड़े हो रहे हैं। इसमें बीज हो गए होंगे बट बीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो ये बीज है इसके बीज महीनों में जाकर फूटेंगे और बड़े नहीं होंगे। बड़े होंगे तो एक आधा होगा, शायद वो भी ना हो, इसीलिए हम इसे कटिंग से ग्रो करेंगे। आइए और इसकी ये तोड़ दें और इसकी कलियां भी तोड़ दें। इस पर कली भी आ रही है, वरना यह आपके पोषक तत्व खींच हो जाएगी और आपकी कटिंग्स ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसे कटिंग करते हैं। कटिंग्स पर ये पत्ते आ रहे हैं, इन सारों को रिमूव कर दें ऐसे। इससे आपकी कटिंग्स को बहुत अच्छी पानी पहुंचेगा, वरना सारा पानी ये पत्ते खींच लेंगे। और इसे 6 इंच की ही काटें, इतनी ही केवल, और इसे पानी में भिगो दें। जितने इसे पानी की आवश्यकता होगी उतना ही खींच लेगी। आइए फ्रेंड्स, इसको भी काटते हैं, इसको भी इसमें डिप कर दें और नीचे की इन टहनियों को रिमूव कर दें पूरी तरह से। और यह टहनी ऐसे ही लगाऊंगा मैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ये भी कटिंग कर ली है। ये देखिए, ये इस तरह का मत ना कटे, इसे ऐसे शार्प कट कर लें। वरना इसमें फंगस लग जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने सारी कटिंग कर ली है। आइए आपको सबसे अच्छी कटिंग्स बताता हूँ। जो ये वुडी लकड़ी की तरह दिख रही है, ये सबसे अच्छी कटिंग्स मानी जाती है, ये देखिए। और इसकी मोटाई सिर्फ पेलसिन की बराबर ही हो, कच्ची पेन की। आइए इसको भी डिप कर देते हैं इसमें, इसको भी। और ये हम मैंने 12 इंच की कटिंग ले ली है, इसे मैं 6 इंच मिट्टी में धसा दूंगा। आइए फ्रेंड्स, अब मैं आपको मिट्टी के प्लास्टिक के बैग बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरा ग्राउंड सोयल है, मैंने इसको बारीक कर लिया है और मैं आपको प्लास्टिक के बैग भरना सिखाऊंगा। अब ये देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है इस ग्राउंड सोयल को। इसमें कोई भी खाद नहीं मिलाया है, ना देसी, ना कोई और खाद, ना फर्टिलाइज़र कोई भी, ना वॉर्म फर्टिलाइज़र, ना वैसा फर्टिलाइज़र। आइए मैं आपको अब बैग भरना सिखाऊंगा। आइए बैग को पहले आधा भर लें। आधा भरने के बाद उसको ऐसे पटक लें, इससे इसके एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसको भर लीजिए।
इस मिट्टी में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, सिर्फ ग्राउंड सॉयल है ये मेरी, बारीक कर ली है मैंने इसको, बस इसको फिर दे दे के मारे, जिससे इसके एयर पॉकेट सारे खत्म हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इतना ही भरेंगे, इसमें पानी भी आएगा। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको आलू में लगाना सिखाऊंगा। ये अभी मेरे चोट लगी है, देखिएगा आपको बहुत सावधानी से करें ये काम, वरना आपकी भी चोट लग जाएगी। लीजिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा काम, इसे अब हम इस बैग में डाल देंगे। और आइए दूसरी कटिंग को भी हम ऐसे ही लगाएंगे आलू के अंदर, आलू का फर्टिलाइजर बन जाएगा यानी कि खाद, और आपका कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आइए फ्रेंड्स, इसको भी हम आलू के अंदर लगा रहे हैं। ये चली गई और ये दो आलू और बचे हैं। आइए फ्रेंड्स, हम इनको भी लगाते हैं, इनके अंदर भी लगाते हैं कटिंग। एक और कटिंग बची है हमारे पास, इसको भी हम आलू के अंदर लगाएंगे। आइए फ्रेंड्स, ये लग गए हमारे चार पेड़ आलू के अंदर। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे कितनी चोट लगी है अभी, आपको बहुत सावधानी से करना होगा वरना आपके भी ये चोट लग सकती है। ये 8 बैग्स मैंने मिट्टी से भर लिए हैं। आइए फ्रेंड्स, इसमें आलू की कटिंग, आलू के अंदर कटिंग लगाई थी उसको लगाते हैं। इसमें थोड़ा सा गड्ढा कर लें और आलू को अंदर तक धंसा दें। फ्रेंड्स, ये मैंने 5 इंच इसे अंदर लगा दी है। आइए दूसरी कटिंग्स को लगाते हैं। इसमें भी आप एक आलू वाली ही कटिंग्स लगा दें। मैंने आज पहली बार आलू की कटिंग से ग्रो कर रहा हूँ, देखते हैं कैसा होता है, ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ है। फ्रेंड्स, आलू का कोई भी पार्ट ऊपर ना दिखे, मिट्टी डाल दें। ऐसे ही हम अब बिना आलू के लगाएंगे इसमें कटिंग। ये देखिएगा, ये लग गई हमारी कटिंग। इसे कम से कम 5 इंच अंदर तक दसा दें कटिंग को। आइए फ्रेंड्स, दूसरी कटिंग्स को लगाना बताता हूँ। इसको भी मैं 6 इंच तक दसा दूंगा, क्योंकि ये मेरी 12 इंच की कटिंग है। आधी अंदर दसा दें जितनी भी कटिंग हो, अगर 6 इंच की है, ये 6 इंच की है, इसको मैं 3 इंच दसा दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाली भी 6 इंच की है, इसको भी मैं
3 इंच अंदर तक धसा दूंगा, इससे एयर पॉकेट्स खत्म हो जाएंगे इसके। आइए फ्रेंड्स, ये मैं आपको आलू वाली कटिंग्स लगाना बताऊंगा। आलू को अंदर रख दें थोड़ा गहरा सा करकर। फिर इस कटिंग को दबा दें। और फिर मिट्टी को ऊपर से डाल दें। एक और आलू वाली हम कटिंग्स को ऐसे ही ग्रो करेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम मिट्टी डाल दें इसके अंदर, इसको सीधा कर दें। ये कटिंग्स बच गई हैं मेरी, इनको मैं शायद ज़मीन में लगा दूंगा, जिससे मेरे पास बहुत सारे पौधे हो जाएंगे गुलाब के। देखते हैं कैसा रिज़ल्ट निकलता है, आपको आगे की अपडेट मैं देता रहूंगा इन आर्ट कटिंग्स की। मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाएँ और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।